तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही खतरनाक शैडो लेकर आया हूँ जिसका नाम है मैका क्राफ्ट, जिसका डेमो आप अपने पीछे देख सकते हो छोटा सा। और गाइस ये शैडो जो है बहुत ज़्यादा एपिक होने वाला है। इसमें यार पूरा जो है रोबोटिक सीन है और प्लस एक बहुत ही खतरनाक सा विलन भी है जिसे मैं आपको जल्दी ही मिलवाऊंगा। तो यार देखो एडोन का शोकेस करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी एडोन की सीरीज और अपनी नॉर्मल सीरीज दोनों को कंटिन्यू रखूँ? अगर हाँ तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे खतरनाक एडोन्स लाता रहूँ। तो चलो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को इस एडोन को दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग प्रोसेस की। और आप इन सभी रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि यार आपको दिख ही रहा है सीट हैं सभी में और आप इनको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो ये रहा फर्स्ट वाला जो कि यार बहुत ही अच्छा लग रहा है और यार सभी की जो डिटेलिंग बहुत ही मस्त है और आप गन का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रोबोट है सबसे ज़्यादा बड़ा। और गाइस यहाँ पर एक स्पेसशिप है जो कि यार एक बहुत ही अच्छा है, यार ये देखो यार ये देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है और यार इसकी कंट्रोलिंग मेरे को जो है सबसे ज़्यादा स्मूथ लगी है, तो बहुत ही मस्त है। और इसका नाम है पिराना जो कि यार ये भी बहुत ही सही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यार ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि यार ये आपको जो गार्ड भी करेगा और यार ये डेफिनेटली आयरन गोलम से बेटर है। इसको एक बार स्टार्ट करने के बाद ये आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा, तो यार ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और हाँ गाइस उस R1 को छोड़ के आप सभी रोबोट्स पर राइड कर सकते हो जो कि यार एक बहुत ही अच्छी बात है। और इनकी मिसाइल को यूज़ करने के लिए आपको एक आइटम चाहिए जो कि आपको क्रिएटिव की इन्वेंट्री में मिल जाएगी और आपको इसको करना है होल्ड। उसके बाद 5 सेकंड का कूलडाउन होगा और आप इसको जो है रैपिडली फायर कर सकते हो और एनिमी पे ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा डैमेज देने वाला है। यार नॉर्मल पेड़ जिसके पास कोई भी आर्मर ना हो वो एक हीट में टपक जाता है क्योंकि हमको फायर डैमेज भी मिलता है। और ये स्पेसशिप जो कि यार चलाना इसको बहुत ईजी है। और हाँ गाइस ये आइटम जो है टोटली सर्वाइवल फ्रेंडली है, तो यार आप जितने भी आइटम्स हैं आप उन सभी को सर्वाइवल की इन्वेंट्री में बना सकते हो, आपको जो है कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यार इसमें जब कोई भी चिंता की बात नहीं है, सब कुछ आप क्रिएटिव में और सर्वाइवल में बहुत ईजीली बना सकते हो। इस R1 रोबोट को टेम करने के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर मशीन कोर जो कि आपको बहुत ही मस्त मिल जाएगा और उसके बाद टेम का ऑप्शन आएगा, तो टेम कर लेना। आपके एनिमी से ये फाइट करेगा और यार ये मशीन आपको देखते पता चल चुका है यार ये विलन है। और सर्वाइवल में मेरी मानो तो यार इनसे दूर ही रहना क्योंकि यार आप पे बहुत ज़्यादा डैमेज देने वाले हैं, तो यार जितना हो सके इनसे दूर रहना। और इनकी जो स्पीड भी बहुत ही सही है तो आप जल्दी भाग भी नहीं सकते हो। तो चलो गाइस अब हम लोग यहाँ पर एक खतरनाक काम करते हैं और अब मैं यहाँ पर समन करने जा रहा हूँ बॉस को जो कि यार बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो यार ये बॉस जो है बेसिकली एक ऑक्टोपस की तरह जो कि यार मुझे बिलगैक्स क्या दिलाता है। और ये देखो यार ये बॉस बहुत ही खतरनाक है और डेफिनेटली ये रोबोट जो है इसके आगे बहुत ज़्यादा वीक है, ये इनको बहुत ईजिली टपका सकता है। तो यार सर्वाइवल में मेरी मानो तो इसे फाइट मत करना, लेकिन हाँ आप इसको जो है बड़े मशीन की मदद से हरा सकते हो। और गाइस ये बॉस जो है सभी से फाइट करता है, चाहे यार कोई भी हो, तो यार ये पिलेजर को भी मारेगा डेफिनेटली। और इन रोबोट्स को चलाने के लिए एक स्पेशल मॉब है जिसका नाम है पिलेजर पायलट। तो इनकेस अगर आपका इसे बैटल हो जाता है तो पिलेजर पायलट आपकी हेल्प कर सकता है क्योंकि यार ये विदर की तरह सभी पे अटैक करेगा, तो यार सभी मॉब इसे बचने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने इस एडोन को देख लिया और यार अभी ये इसका केवल बीटा वर्जन है और न्यू रोबोट्स को यार हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पर यार शोकेस तो देख लिया और अब बात आती है डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग प्रोसेस की। और हाँ अगर आपको इसके बारे में मोर डिटेल में जानना है तो यार आपको जो इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा MCPDL पेज का, आप लोग वहाँ पर जाओ यार अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद डाउनलोड कर लो, बहुत ईजी है। और हाँ गाइस इस एडोन को डाउनलोड करने के लिए आपका वर्जन 1.17 यार डेफिनेटली होना चाहिए, इसके लोअर वर्जन में नहीं चलेगा। तो यार अगर आपके पास अपडेट वर्जन नहीं है तो यार जल्दी से अपडेट कर लो क्योंकि यार तभी एडोन चलेगा और न्यू वर्जन यार काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद इसकी फाइल को डाउनलोड करो और यार रिसोर्स और बिहेवियर पैक में एक्टिवेट करो। और उसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले के 5 फीचर आ चुके हैं, आपको जो सभी को ऑन कर लेना है और उसके बाद आपको जो है एडोन चल जाएगा बहुत ही मस्त, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और ये देखो यार ये पिलेजर पायलट उसको कंट्रोल कर रहा है। तो बस कैसे यार आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि यार मैं जैसे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय।